बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। पाकिस्तान और दुनिया भर में देखने वालों को अस्सलाम वालेकुम। नाजरीन, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल और मैं हमेशा की तरह हाफिज नईम आपको एक नए एपिसोड में खुश आमदीद कहता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरो आफियत से होंगे। अगर आप सब खैरो आफियत से हैं तो जल्दी जल्दी हमारे चैनल EVTech 313 को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन के बटन को प्रेस कर दें ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचती रहे। नाज़रीन, सबसे पहले एक चीज़ मैं वाज़ह करता चलूँ कि मैं पहले भी अपनी काफ़ी सारी वीडियोस में ये चीज़ बता चुका हूँ कि मेरी किसी भी इलेक्ट्रिक बाइक बनाने वाली कंपनी के साथ ज़ाती दुश्मनी नहीं है, बल्कि मैं तो किसी के खिलाफ वीडियोस बनाकर अपलोड करना ही नहीं चाहता। लेकिन जो कस्टमर्स होते हैं, जो मैसेज करते हैं, वो इतना मजबूर कर देते हैं कि भाई ये देखिए हमारे साथ इतना नुकसान हो चुका है, प्लीज़ आप हमारी हेल्प करें, आप जो भी कर सकते हैं या आप कम अज़ कम वीडियो बनाकर अपलोड कर दें ताकि हमारे साथ जो नुकसान हुआ है किसी दूसरे शख्स के साथ ये नुकसान ना हो। लेकिन काफ़ी सारी ऐसी वीडियोस हैं जिनको मैंने प्राइवेट भी कर दिया हुआ है क्योंकि काफ़ी ज़्यादा धमकियां और बाद में जनाब इस तरह के काफ़ी ज़्यादा मामला चलते रहे हैं। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है कि अभी आपने थंबनेल तो देख ही लिया होगा कि रोटिंग कंपनी से एक बहुत ही ज़्यादा अच्छी खबर आई है। ये खबर क्या है, ये मुकम्मल तफसील आपके साथ मैं शेयर करता हूँ। वीडियो को मुकम्मल वॉच कीजिएगा, अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर लाजमी कीजिएगा। नाजरीन, जैसा कि आप जानते हैं कि रोटिंग की मार्केट में काफ़ी ज़्यादा कंप्लेनें चल रही थी, काफ़ी ज़्यादा इश्यूज चल रहे थे, लेकिन जो सबसे मेजर इशू था, जो सबसे बड़ा इशू था, वो था बैटरीज का। एक कंपनी 100 किलोमीटर एक चार्ज पर माइलेज कहती थी, लेकिन काफ़ी ज़्यादा कस्टमर्स ऐसे थे जो नई बाइक खरीदते थे मगर उनकी बाइक 30 किलोमीटर चलती थी, किसी की 50 किलोमीटर चलती थी, हत्ता के किसी की 60 किलोमीटर चलकर बंद हो जाती थी, 100 तक वो नहीं थी पहुंचती। अभी जो लास्ट मंथ गुजरा है नवंबर, इसमें रोटिंग कंपनी ने बहुत ही ज्यादा अपनी बैटरीज पर वर्किंग की है। बकायदा चाइना से एक टीम उन्होंने मंगवाई जो कि रोटिंग कंपनी में आकर उन्होंने उनकी बैटरी के जो भी मामला थे, जो भी इश्यूज थे, उन सबको रिजोल्व किया। उसके बाद जो रोटिंग कंपनी ने अपने डीलर्स के लिए या अपने कस्टमर्स के लिए एक नोटिफिकेशन जारी किया कि जनाब जिन जिन की बाइक में भी इश्यूज हैं बैटरी को लेकर या बैटरी से मुतल्लिक, तो वो जनाब एक हफ्ते में कंपनी के साथ रब्ता कर सकते हैं और हमें अपनी पुरानी बैटरी जो आपको इलेक्ट्रिक बाइक में लगी हुई मिली है वो हमें देकर आप हमसे नई बैटरी ले सकते हैं। मतलब कि आप आसान अल्फाज में इस तरह कह लें कि आप हमारे साथ बैटरीज एक्सचेंज कर सकते हैं, जो बैटरी में आपका इशू है वो पुरानी बैटरी हम रख लेंगे और आपको उसके मुतबादल नई बैटरी लगा कर देंगे। अभी तक जो मेरे कबूतर ने मुझे खबर दी है वो ये है कि अभी तक रोटिंग कंपनी 360 बाइक्स की बैटरी रिप्लेस कर चुकी है, जो कि बहुत ही एक अच्छी बात है। अगर गलती हो जाती है, इंसान खता का पुतला है, अगर काम में ऊंच नीच हो गई है तो सबसे बड़ी बात यह है कि रोटिंग कंपनी ने उसको सुधारने की मुकम्मल कोशिश की है। मैंने काफ़ी ज़्यादा रोटिंग के खिलाफ वीडियोस बनाई हुई हैं, अभी भी मेरे चैनल पर मौजूद हैं, लेकिन जब कोई कंपनी अच्छा काम करेगी तो उसको अप्रिशिएट भी सबसे पहले मैं करूँगा। अभी तक जैसा कि मैंने आपको बताया कि 360 बैटरी बैंक रोटिंग अपने कस्टमर्स के रिप्लेस कर चुकी है, उनको एक्सचेंज करके दे चुकी है। 360 का मैक्सिमम अगर आप एक बैटरी बैंक 1 लाख रुपए का भी लगाएं तो 360 बैटरी बैंक 3 करोड़ 60 लाख रुपए के बनते हैं। इसका मतलब यही हुआ कि 3 करोड़ 60 लाख रुपए का नुकसान कंपनी ने बर्दाश्त किया है और अपने कस्टमर्स को राजी करने के लिए, मार्केट में अपना नाम बनाने के लिए 3 करोड़ 60 लाख रुपए का नुकसान करके उन्होंने अपने कस्टमर्स को बैटरीज रिप्लेस करके दी हैं। अभी जो ये एक बहुत ही अच्छी बात है कंपनी की तरफ से, इस बात पे कंपनी की जितनी भी तारीफ की जाए वो बहुत ही ज्यादा कम होगी क्योंकि 3 करोड़ 60 लाख रुपए का नुकसान कौन बर्दाश्त करता है। कंपनी ये भी कह सकती थी कि जनाब अभी जो मार्केट में हमारी बाइक्स चली गई हैं, ठीक है वो चली गई हैं, उनको इग्नोर करें, लेकिन जो हमारी नेक्स्ट प्रोडक्शन होगी हम उसमें डेवलपमेंट करेंगे, उसमें अपने इश्यूज को खत्म करने की कोशिश करेंगे, मगर ऐसा नहीं है।
बल्कि पूरे पाकिस्तान में जितने भी रोटिंग के डीलर्स हैं या कस्टमर्स हैं, उन सब के लिए रोटिंग ने ये नोटिफिकेशन जारी किया है कि एक हफ्ते में आप अपनी बाइक को हमारी कंपनी में ले आए या अपने डीलर से रब्ता कर अपनी बाइक के जो भी आपके बाइक के इश्यूज हैं आप उनको रिजोल्व करवा सकते हैं। तो अभी सिर्फ मैं फिर यही कहना चाहूंगा कि अल्लाह का शुक्र है कस्टमर्स की सुनी गई है, और जिन कस्टमर्स के इश्यूज चल रहे थे बैटरी के या उनकी माइलेज के इश्यूज थे, तो वो रोटिंग कंपनी से डायरेक्ट रब्ता भी कर सकते हैं या जिस डीलर से, जिस सिटी के डीलर से उन्होंने बाइक खरीदी हुई है वो उसके साथ भी रब्ता कर अपनी बैटरी रिप्लेस कर सकते हैं। अगर आपकी बैटरी आप तो रिप्लेस करवा चुके हैं तो फिर आप उसको यूज करें, इंशाल्लाह अभी जो रोटिंग कंपनी की बैटरीज हैं उनमें इश्यूज नहीं आएंगे। जैसा कि मैंने आपको बताया, उन्होंने प्रॉपर एक चाइना से टीम मंगवाई थी, चाइनीज आए थे रोटिंग कंपनी में, जिन्होंने उनके बैटरी के तमाम तर मामला, जो तमाम तर इसमें खामियां थी बैटरी में, उसको दूर कर बैटरीज उनको ओके करके दी हैं। और ये पाकिस्तान की अवाम के लिए, इस तरह कह लें या जो रोटिंग के कस्टमर्स हैं उनके लिए बहुत ही अच्छी खबर है कि अब उनको जो बैटरीज में इश्यूज देखने को मिल रहे थे या जो मार्केट में रोटिंग का नाम खराब हो रहा था, अभी वो नहीं होगा। और अभी उनकी बैटरी के जितने भी मामला थे, जितनी भी खामियां थी, वो रोटिंग कंपनी ने मुकम्मल दूर करने की कोशिश की है। अभी उनकी कोई बाइक मेरे पास तो नहीं आई, अगर मेरे पास आएगी तो उस पर मैं दोबारा रिव्यू जरूर करूंगा कि अभी कंपनी ने ये तब्दीलियां की हैं, इस बैटरी में ये चेंजिंग की है, और उसके बाद मैं आपको प्रॉपर रिजल्ट बताऊंगा। लेकिन अभी तक जो सबसे बड़ी अहम खबर थी कि रोटिंग कंपनी ने एक बहुत ही ज्यादा अच्छा कदम उठाया है कि अपने डीलर्स के लिए और अपने कस्टमर्स के लिए पाकिस्तान की ईवी की मार्केट में नाम बनाने के लिए रोटिंग कंपनी ने 3,60,00,000 रुपए का नुकसान बर्दाश्त किया है और अपने कस्टमर्स की पुरानी बैटरीज को वापस लेकर उनको नई बैटरीज देने का फैसला किया है। आपकी रोटिंग की इलेक्ट्रिक बाइक में या उसकी बैटरीज में कोई इश्यूज हैं तो आप अपने डीलर से भी रब्ता कर सकते हैं और डायरेक्ट कंपनी से भी रब्ता कर सकते हैं और अपनी बैटरी फ्री ऑफ कॉस्ट रिप्लेस करवा सकते हैं अगर आपकी बैटरीज में इश्यूज हैं। तो नाज़रीन, ये थी मेरी आज की वीडियो, उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। आखिर में मैं एक बात जरूर कहना चाहूंगा, मैं आपको फिर वाज़ह कर देता हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह भी कंपनी के साथ मेरी जाती दुश्मनी नहीं है, लेकिन मैं मजबूर हो जाता हूँ जब कस्टमर्स की बातें सुनता हूँ, जब कस्टमर कहते हैं कि ये देखें हमारा इतना नुकसान हो गया, हमारे साथ कंपनी ने ये कर दिया, वो हो गया, और मैं ऐसे ही वीडियो अपलोड नहीं कर देता, पहले मुकम्मल प्रूफ मांगता हूँ। जब वो मुझे मुकम्मल पिक्स और वीडियोज बनाकर शेयर कर देते हैं उसके बाद फिर मैं मजबूर होकर वीडियो बनाने पर मजबूर हो जाता हूँ। लेकिन अभी ये बहुत अच्छी खबर है, जितनी रोटिंग की तारीफ की जाए इस टाइम वो कम होगी कि उन्होंने 3,60,00,000 रुपए का नुकसान करके जनाब अपने कस्टमर्स का फायदा करने की कोशिश की है। और अभी ये दिसंबर का महीना चल रहा है, इसी महीने वो अपना 2024 मॉडल भी लॉन्च करने जा रहे हैं। इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे कि सबसे पहले हम आपको 2024 मॉडल, जो रोटिंग का लेटेस्ट मॉडल होगा, उसका मुकम्मल रिव्यू आपको इसी चैनल पर इंशाल्लाह देखने को मिलेगा। तो नाज़रीन, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, हमें दुआ में याद रखिएगा, अपने इर्द गिर्द के लोगों के लिए खैरियत का बाइस बनेगा, मुल्क पाकिस्तान के लिए कुछ अच्छा करने की कोशिश कीजिएगा। हमें दीजिए नेक्स्ट ब्लॉग तक इजाजत, अल्लाह के बाद।